वैसे तो हम लोग यूके में भी बहुत सारे पकोड़े वकोड़े बना के खाते हैं, स्पेशली जब छुट्टी हो ना, वो ठंडी होती है तो पकोड़े मज़ा आता है। और ये वाले पकोड़े कॉलीफ्लावर से बने हैं। तो पहले क्या करा, धो के कॉलीफ्लावर डाल दिए और उसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची, कोरिएंडर, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। वो पीसने के बाद वो मिक्सर के अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी सूजी, उसी के साथ क्यूमिन सीड, सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी डाल के, तो बहुत पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के गूंथते जाना, बिकॉज वो बहुत गीला हो जाएगा, फिर आपके पकौड़े बॉल्स बनने में हार्ड रहेंगे। और आपको जो शेप पसंद हो वो शेप के बॉल्स बना लो, और जैसे पकौड़े नहीं फ्राई करते उसी तरह इन्हें भी फ्राई कर लेना। अभी पकौड़े बने हैं तो उसके साथ चटनी भी चाहिए ना खाने के लिए, तभी मज़ा आएगा ना, स्पेशली ऐसे पकौड़े हो तो। तो अभी क्या करना है, थोड़े से रोस्टेड पीनट, ग्रीन चिली, गार्लिक सॉल्ट, लेमन जूस, कोरिएंडर, वाटर, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे, और बस पकौड़े के साथ इंजॉय कर सकते हो। खाना बनाना, लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब। थैंक यू।